एवरी वन वेलकम टू करण क्रांत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर बी नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशोलॉजी का ठीक है पेपर ए हमारा कवर हो गया है उसमें आपको मेरी चैनल पर वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी नितिन सागवान एसेंशियल सोशोलॉजी नाम से जिसमें आपका पेपर ए जो है वो कम्प्लीट है ठीक है पेपर बी स्टार्ट करेंगे आज से लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ की ये जो पेपर बी है हम लेटेस्ट एडिशन ऑफ नितिन सांगवान सर की बुक से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने प्रीफेस में लिखा है कि लेटेस्ट जो पेपर बी है लेटेस्ट एडिशन में वो कम्प्लीटली ओवरहॉल किया गया और काफ़ी चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं तो पेपर ए हमारे पुराने एडिशन का था पेपर बी हम न्यू एडिशन से पढ़ेंगे तो अगर आपके पास पी अवेलेबल नहीं है न्यू एडिशन का तो आपको क्या करना है आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है मैंने वहाँ टेलीग्राम पे ग्रुप एक बनाया हुआ है आप वो ज्वाइन करेंगे ठीक है और हम जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है उस फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ में अपलोड करती रहूंगी तो चैप्टर वाइज आपको हर पीडीएफ जो है वो ग्रुप पे मिल जाएगा पहले अपलोड करने का ये नहीं करने का ये रीज़न है ताकि आप पहले वीडियोस देखें अच्छे से समझें और साथ साथ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाते रहें फाइन तो आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे और एट द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर आपको पी उस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा तो ये ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगी फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट होने के बाद एंड सेकेंडली कुछ अभी इसमें इंपॉर्टेंट मटीरियल इफ आई कम अक्रॉस सम इंपॉर्टेंट मटीरियल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा तो वो इंपॉर्टेंट मटीरियल भी इस ग्रुप पे अपलोड किया जाएगा तो ये ग्रुप पहले आप जरूर ज्वाइन करें इन केस यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली आपको मेरा ई मेल आई डी पता है ये मेरा ईमेल आई डी है करंट क्रंज फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से अगर आपने सिलेबस देख लिया होगा पेपर बी का तो आपको पता होगा पेपर बी कुछ पार्ट्स में गिवन है उसमें पार्ट ए है आपका जो पार्ट ए है पेपर बी का पार्ट ए ठीक है उसमें है वेरियस पहले इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी और उसका पहला यूनिट जो आपको कवर करना है दैट इज वेरियस परसपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी तो इसमें हम अलग अलग परसपेक्टिव डिस्कस करेंगे जिन परपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी को समझा गया था ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमें पता है कि जो इंडियन सोसाइटी है ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है यहाँ काफ़ी ज़्यादा कल्चर्स जो हैं वो एक साथ रह रहे हैं सोसाइटी में अगर आप नॉर्थ एरिया को बिलोंग करते हैं आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं वहाँ पे आपको बिल्कुल ही एक एंटायर डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा या आप साउथ की तरफ चले जाएँ साउथ में भी आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा जो बाकी स्टेट से बाकी रीजन से बिल्कुल अलग होगा या नॉर्थ में भी नॉर्थ में ही आप कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे चले जाएँ तो आपको कम्प्लीटली एक अलग कल्चर जो है उससे आपका जो है इंट्रोडक्शन वो होगा तो कहने का क्या मतलब है मल्टी कल्चर है हर कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको एक डिफरेंट कल्चर डिफरेंट सोसाइटी जो है देखने को मिलती है इसीलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोशो कल्चर सेटअप जो है वो इंडिया का प्रेजेंट है अब देखो मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि फॉर्मली इसको डिसिप्लिन लाना इंडिया में वो अलग बात है और सोशोलॉजी को पढ़ना पहले सोसाइटी को समझना वो डिफरेंट है ये हमने फर्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करा था कि जो सोशोलॉजिकल डिलिब्रेशन थी जो सोसा सोसाइटी रिलेटेड जो बातें होती थी सोशोलॉजिकल डेलिब्रेशन दे वर ऑलरेडी देयर सोसाइटी को रिलेटेड बातें सोसाइटी के रिलेटेड बातें पहले भी हुआ करती थी जैसे एरिस्टोटल ने काफ़ी पहले ये बात कही थी मैन इज़ अ सोशल एनिमल ठीक है लेकिन फिर डिफरेंस क्या आया बाद में कि अब सोसाइटी की स्टडी को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाया गया तभी आपका सोशोलॉजी एज ए फॉर्मल डिसिप्लिन लॉन्च हुआ ठीक है अदरवाइज सोसाइटी से रिलेटेड डिस्कशन बातें थोड़ा बहुत पढ़ना ये काफी पहले से होता आ रहा है सिमिलर वे में इंडियन सोसाइटी में भी ऐसा ही हुआ हमें पता इंडिया जो था ये कॉलोनियल रूल था तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी को इनहेंस करने के लिए सोसाइटी को पढ़ने की ज़रूरत थी समझने की क्योंकि उनको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप यहाँ पे ला ले के आना था ठीक है उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए सोसाइटी को पढ़ना था सोसाइटी की स्टडी उनके लिए इंपॉर्टेंट बनती थी उनको रेवेन्यू के रिलेटेड जो अफेयर्स है यहाँ पे वो अपने सेटल करने थे तो इन काफी रीजंस की वजह से उनको भी इंडियन सोसाइटी को थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की जरूरत थी तो यही डिफरेंस है इंडियन सोसाइटी में कि सोशोलॉजी सोसाइटी रिलेटेड स्टडीज जो है वो पहले भी हुआ करती थी ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ ब्रिटिश रूल के बाद वो थोड़ा सिस्टमैटिक होने लगी ठीक है इवन बिफोर द राइज ऑफ सोशलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन इन इंडिया स्कॉलर्स ट्राइड टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी यूजिंग डिफरेंट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव परसपेक्टिव लेकिन इट वॉज ओनली आफ्टर द स्टेबलिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल दैट द सोसाइटी बिकेम्स सिस्टमैटिक ठीक है अब ये बात है कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले सोसाइटी को आप कैसे समझते थे किन चीजों से समझते थे हमें पता है मेजरली जो इंडियन सोसाइटी है ये एक रिलीजियस सोसाइटी

ये लोग यहाँ पे अलग अलग रेन के टाइम पे आते थे अलग जब किंग रूल कर रहे होते थे और अपना एक अकाउंट वो अंडरस्टैंड क्या करते हैं सोसाइटी को एक अपना एक अकाउंट लिख के जाते थे तो वहाँ से भी आप सोसाइटी को स्टडी कर सकते थे या पॉलिटिकल वर्क्स जैसे आपने नाम सुना होगा अर्थशास्त्र वो कितने लिखा था चाणक्य ने या उनको कौतलिया भी बोला जाता है चाणक्य ने आपको अर्थशास्त्र लिख के दी थी ठीक है ये कब आए थे ये थे आपके मौरियन एम्पायर के टाइम पे चंद्रगुप्ता के टाइम पे यहाँ पे थे तो इनका जो वर्क है वो पॉलिटिकल वर्क है क्योंकि उसमें इन्होंने स्टेट्समैन रिलेटेड बातें करी हैं ठीक है स्टेट्समैनशिप की बातें उन्होंने उसमें की हैं तो इन्होंने भी आपको एक एंशन सोसाइटी का इलाबोरेट अकाउंट जो है अपने पर्सपेक्टिव uh, से फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ स्टेट क्राफ्ट वो दिया हुआ है तो यही कहने का मतलब है कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ट्रैवल लॉग थ्रू पॉलिटिकल वर्क से आप इंडियन सोसाइटी को पहले समझते थे लेकिन इनमें एक डिस्कटिन्यूटी होती थी ठीक है क्योंकि सोशियलॉजिकल पर्सपेक्टिव सिस्टमैटिक वे में तो ये लिखा नहीं जाता था इसीलिए चैलेंज पोज करते थे टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी इसलिए ब्रिटिशर्स को फिर अपना तरीका यूज करना पड़ा आने के बाद इंडियन सोसाइटी की स्टडीज को थोड़ा सिस्टमैटिक करने का और अकॉर्डिंगली आपका सोशोलॉजी का राइज जो है वो होने लगा तो टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र गेवन एलैबरेट अकाउंट ऑन एंशियंट सोसाइटी बट फ्रॉम द दर्स्पेक्टिव ऑफ स्टेट क्राफ्ट तो पोलिटिकल पोलिटिकली भी आपको थोड़ा समझ में आने ल, मतलब आपको पता था सोसाइटी किस तरीके की है इलाबरेट अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स बाय लाइक मैगसिनने बतू था मार्क वगैरह इन्होंने भी कुछ डिटेल्स दिया आपको सोशल सिस्टम्स की यहाँ पे तो कहने का ये मतलब है कि सोसाइटी की बातें जो है वो पहले पहले भी पहले भी हुआ करती थी बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ अकेडम सोशियलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिन एटीन नाइनटीन सेंचुरी में सोशलॉजिकल थाट्स के सीड्स जो थे वो कहाँ से आए थे थ्रू सम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेश सोसाइटी ऑफ बंगाल या फिर नाम हिस्ट्री में पढ़े होंगे सिमिलरली द सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज वॉज फॉर्म्ड इन एटीन थर्टी एट हर्बर्ट विस्ले पायनीड एथनोग्राफिक स्टडीज इन इंडिया एंड विद हिज वर्क एज ए सिविल सर्वेंट इन बेंगाल उन्हें ट्रांसलेट किया था वर्क लाइक कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगॉल ठीक है मद्रास में बेथ्यून सोसाइटी इन सेवन सारे जो काम है ये कब कब हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो सोशोलॉजिकल था इन वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन से सोसाइटी में आने लगे थे ठीक है अगर आप चाहो तो ये नाम याद रख सकते हो इक्का दुका नाम इसमें कहीं हो सकता है एग्जाम में कंटेंट राइटिंग के लिए आपके लिए कुछ मटीरियल बन है आगे चलते हैं बैकग्राउंड ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडीज़ इन इंडिया अब देखते हैं सोशोलॉजिकल स्टडीज कैसे कंडक्ट की गई इंडिया में हमें पता है इंडियन सोसाइटी है अभी भी ट्रेडिशनल है इसके कुछ फीचर्स हैं लाइक कास्ट किनशिप विलेजेस ठीक है वो आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगे क्योंकि अभी भी सिस्टम जो है इंडिया में वो ये स्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो वैसा ही चलता है मेजर पर्सपेक्टिव जिनसे हमें ये जो चैप्टर अपना है वो पढ़ना है वो क्या पर्सपेक्टिव्स है क्योंकि हमारा चैप्टर ही है वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी जैसे हमने अभी तक पेपर ए में पढ़े फंक्शनलिज्म पढ़ा ठीक है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म देखा हमने हमने मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट देखा हमने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बीच बीच में कहीं कहीं ऑब्जर्व किया क्या है पोस्ट मॉडर्निस्ट वगैरह ये सारी रिलेटेड बातें हमने फर्स्ट चैप्टर्स में करी अब देखते हैं इंडियन सोसाइटी को किन परसपेक्टिव से समझा गया इंडोलॉजिकल परसपेक्टिव है उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्सिस परसपेक्टिव अब जहां पे मार्क्स की बात है वहां पे आपको पता है मार्क्स से इंस्पायर्ड थे जो हमारे इंडिया के थिंकर्स जिसमें ए आर देसाई वगैरह नाम आप सुनोगे ये मार्क्स इन परस्पेक्टिव से इंस्पायर्ड थे और अकॉर्डिंगली इन्होंने उन्हीं लाइंस पे इंडिया की सोसाइटी को स्टडी किया एंड लास्ट वन इज जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो हमें इस चैप्टर में देखना है जैसे इसमें आप नाम देखोगे एम एन श्रीनिवास वगैरह के नाम आप इसमें सुनोगे कि जो उन्होंने कहा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना था वो कैसे फंक्शनल था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी एज अ होल तो पर्सपेक्टिव क्या है ये आपको पता है फिर हम उसको अब इंडियन सोसाइटी में थोड़ा रिलेट करेंगे कि इंडिया सोसाइटी के लिए वो कैसे रिलेटेबल बनाए थे यहाँ के थिंकर्स ने इसमें आपने एक ही नया नाम देखा होगा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो मैं आपको अभी बताऊंगी वो हमें आगे जाके पढ़ना है थोड़ा बोल देती हूँ यहाँ पे ये बेसिकली इसको बुक बोला जाता है तो जो भी लिटरेचर स्क्रिप्चर्स जो भी रिटन मटीरियल में इंडियन सोसाइटी uh, के बारे में जो रिटन अकाउंट था ठीक है चाहे वो रिलीज स्क्रिप्चर्स के थ्रू uh, था हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे फाइन या कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वगैरह भी थे उनके बेसिस पे इन्होंने अपना एक व्यू जो है सोसाइटी का क्रिएट किया कि इंडियन सोसाइटी कैसी है तो इसको हम बुक व्यू बोलते हैं इसमें कोई आप बोल सकते हो फील्ड वर्क जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था वैसे तरीके की इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च नहीं हुई थी इसमें मेरली जो बुक्स में रिटर्न था हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में लिटरेचर में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में उनके बेसिस पे इंडियन सोसाइटी का जो अकाउंट है वो प्रेजेंट किया गया मॉडर्न टाइम्स में अपार्ट फ्रॉम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ओथ सोसाइटी वगैरह जो इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन लाइफ ठीक है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी इस चीज पे काफी काम किया है अब कॉलोनियल रूलर्स को क्या जरूरत थी काम करने की क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी फॉर लॉ एंड ऑर्डर रेवेन्यू कलेक्शन रूरल गवर्नेंस वगैरह तो इनको अपने मकसद की वजह से इंडियन अब ऑब्वियसली किसी कंट्री में आप आ रहे हो 200 साल तक उन पर रूल कर रहे हो और उसकी सोसाइटी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो आपका रूल ईजी तो नहीं हो जाएगा ना किसी भी चीज़ को रूल करने के लिए आपको सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए आपको पता होना चाहिए वो सोसाइटी किस तरीके की है तभी आप वहाँ पर लॉज लेके आओगे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइन अब इसको हम तीन फेजेज में समझते हैं वो आप देखो टिल अराउंड एटीन फिफ्टीज जो अंडरस्टैंडिंग थी इंडियन सोसाइटी की जो जनरेटेड प्राइमरीली बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड नॉट बाय स्कॉलर्स तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे जो रूल कर रहे थे आपके सिविल सर्वेंट्स वगैरह ठीक है तो उनको कुछ रेवेन्यूज की जैसे पॉलिसी लेके आनी थी फॉर एक्जाम्पल तो वो इंडियन सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो जनरेट uh, कर रहे थे उसका अकाउंट बना रहे थे कि किस टाइप की इंडियन सोसाइटी है एटीन ट्वेंटीज और फिफ्टीज के बीच में काफी बुक्स थी मेरी बुक्स एंड मेनी वर्कस फॉर प्रोड्यूस ठीक है कॉलोनल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे अब उन्होंने क्या किया था उन्हें एक ऑर्थोडॉक्स व्यू बनाया था इंडियन सोसाइटी का एंड मेनी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स लेबल्ड इंडियन सोसाइटी एज सेल्फ सफिशियंट क्लोज विलेज इकोनमी हैचर तो जो एटीन फिफ्टीज तक जो स्टडी हुई थी जो कॉलोनियल uh, एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू हुई थी उन्होंने एक कैसा व्यू जेनरेट किया था इंडियन सोसाइटी का कि सेल्फ सफिशियंट है सेल्फ सफिशियंट होती है जो सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी होती है जिनका काम आपस में चल जाता है उनको एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल हेल्प और एक्सटर्नल सोर्सेज तो अकॉर्डिंगली आपकी क्लोज विलेज इकॉनमी होगी क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है कि दूसरे आके आपकी सोसाइटी में काम करें जो आप अपनी सोसाइटी में कमा रहे हो वो आपकी अपनी सोसाइटी को सस्टेन कर रहा है तो एक इंटीग्रेशन नहीं है इकॉनमी की ठीक है तो उसको क्लोज विलेज इकोनॉमी बोला जाता है अगर कंट्री को क्लोज बोला जाएगा दैट मीन्स कंट्री जो है एक ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेटेड नहीं है आपस में ही काम कर रही है डोमेस्टिक लेवल पे और डोमेस्टिक जो प्रॉफिट आ रहे हैं उससे पूरी कंट्री चल रही है वैसे ही विलेज का सेटअप इन्होंने कहा था क्लोज विलेज विलेजनोमी एंड कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर यहाँ का प्रेजेंट है अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज इन बॉम्बे कैलकटा इन एंड सच गिव बर्थ टू द इन द फील्ड ऑफ सोशल रिसर्च ऑल्सो अब आप देख रहे हो ग्रेजुअली एक एक चीज हो रही है यहाँ से स्टडीज भी थोड़ा बन रही है फिर यूनिवर्सिटीज में आ रही है ये स्टडीज तो फिर एक थोड़ा फील्ड ऑफ सोशल रिसर्च का स्कोप भी आहिस्ता आिस्तक बढ़ने लगा अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट ऑफ सैंसेस को इस्टैब्लिश किया गया एटीन सेवेंटी वन एथनिक सर्वे पहला में 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 हुआ हुआ था। था तो मैंने कहा, आपको आपको कहा स्टडी स्टडी फेज़ेस करनी है। पहले अराउंड एक 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 तरीके की हो रही थी। फिर आफ्टर इवेंट एक एक आया जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या हुआ था, 1850 में एक चीज़ अगर आप वो कर सको अभी, 1857 हुआ था। उस द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन और क्या हुआ था ब्रिटिश रूल को एक्सटेंड किया गया था टू द होल ऑफ इंडियन टेरिटरी अब इसको ब्रिटिश का एक पोजिशन बोला गया था ना अपने रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन के अगर फीचर्स पड़े होंगे पोजिशन बोला गया था और जो ब्रिटिश अभी तक कंपनी का रूल चल रहा था कंपनी के थ्रू रूल कर रहे थे अब जो ब्रिटिश क्राउन है उसने डायरेक्टली अफेयर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है अपने हाथों में लिए थे तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी बॉज एंड रिस्ट अब एडमिनिस्ट्रेटर्स उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज आना शुरू हो गए क्योंकि पहले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में था जो चला रहे थे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी तो अकॉर्डिंगली सिर्फ वो वाली स्टडीज अभी तक हो रही थी लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में डायरेक्ट आ गया तो बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा स्कोप बढ़ गया इंडिया आके स्टडी करने का वो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज थे एकेडमिक थियोलॉजिस्ट थे जो रिलीजन वगैरह गॉड सेंट्रिक चीज़ों को स्टडी करते थे एथनोग्राफर्स थे जो थोड़ा फील्ड के रिलेटेड भी काम करते थे एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तो अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो ए आई सी ई सीना कंपनी के ऑफिसर्स थे उनके हाथ में सिर्फ स्टडी नहीं रह गई अब काफ़ी काफ़ी अलग ग्रुप्स जो है यहाँ पे आने लगे तो प्रोसेस वो सप्लीमेंटेड बाई इस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड बेटरमेंटस एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया ठीक है इस टाइम पे कुछ एजुकेटेड इंडियंस भी थे विच ऑल्सो हेल्प इन एन रिचिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी और काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च की गई जैसे आपका जॉइंट फैमिली जजमानी सिस्टम वगैरह तो ये जजमानी सिस्टम हमें पढ़ना है आगे उसमें अभी आप ये नहीं हो जाना कि ये सब क्या बोल रही है मैम एक्सप्लेन नहीं कर रही है जजमानी सिस्टम इकोनॉमिक सेटअप है जो एम एन श्रीनवासा ने किया था एम एन श्रीनिवास ने यहाँ पे स्टडी किया था इसको लेके ठीक है तो ये हम आगे देखेंगे कस्टमरी लॉस पंचायती राज इंडियन सोसायटी अब बेसिकली हो क्या स्कोप बढ़ रहा है इंडियन सोसायटी की स्टडी का और अलग अलग ग्रुप्स आ रहे हैं जो इंडियन सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं ठीक अर्ली पाए कौन थे पेट्रिक गिरीज जो थे जी एस गुरिये राधा कमाल मुखर्जी डी पी मुखर्जी लखनऊ ए आर वाडी एन माइसो ये कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हो दे द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी कौन सा हुआ आपका वाला अब फिलोसोफिकल पर्सपेक्टिव है जो थोड़ा फिलोसफिकली समझने की कोशिश करते हैं लखनऊ स्कूल जो है इसे इन्फ्लुएंस हुआ था कल्चरल पर्सपेक्टिव जो कल्चर को समझते हैं इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए कि कैसे कौन सा कल्चर डोमिनेंट है डिफ्यूजन कैसे होती है कल्चर की वगैरह वो सारी बातें तो ये कुछ नाम इसमें आप याद रख सकते हो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव जो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव आपका एम एन श्रीनिवास एफ जी बेली जो है वो इंपॉर्टेंट नाम है डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या आपका मार्क्स एंड परसपेक्टिव है जो थोड़ा मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी सोसाइटी को मार्क्स एंड लाइन्स पे समझने की कोशिश करते हैं तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और कुछ नाम भी हैं सोशलॉजी जो है स्टेबलिश की गई थी एकेडमिक डिसिप्लिन बाय सर पैट्रिक गेलीस इन नाइनटीन नाइनटीन बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ठीक है हम आगे देखते हैं ड्यूरिंग द टेन ईयर्स अर्ली इज ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ एज सोशलॉजी फॉर्मल डिसिप्लिन जो मेजर एरिया ऑफ फोकस था वो किस किस पे था इंडियन फिलोसफी पे ऑरियंटोलॉजी दैट इज ईस्टर्न स्टडीज दैट मीन वही आपके जो ईस्टर्न नेशन है उनकी स्टडी तो इंडिया उसी में इंक्लूड होता है इंडोलॉजी जो मैंने अभी आपको बोला इंडोलॉजिकल परसपेक्टिव एथनिक सर्वेज सर्वेज वगैरह जो फील्ड पे करते हैं एंड आपके हिस्ट्री

हिस्ट्री लिटरेचर फिलोसफी एंड कल्चर तो ये है आपका इंडियोलॉजी जो आपका जिसमें क्या स्कॉलर्स क्या करते हैं बुक व्यू लेते हैं ठीक है ये चीज भी मैं आपको बताई जी एस गुरु फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी इनको बोला जाता है एंड इंडोलॉजी वॉज वन ऑफ द पायनीस हु वॉज एंड इंडोलॉजी फादर ऑफ इंडियन सोशलॉजी इंडोलॉजी एंड वन ऑफ द एसोसिएटेड विद द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन द बॉम्बे यूनिवर्सिटी सोशोलॉजी बुलेटिन भी आई गेस इन्होंने ही लिखा था इन्हें जर्नल भी लिखा था सोशोलॉजिकल बुलेटिन इन नाइनटीन फिफ्टी टू तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है जीएस गुरे आगे हमें थिंकर डिटेल में डिस्कस करना है और एक इंपॉर्टेंट नाम है एम एन श्रीनवास जिसने आगे जाके फील्ड व्यू लेके आए थे तो इंडोलॉजी में हमने बुक व्यू देखा ठीक है फिर आ, उसको क्रिटिसाइज किया एम एन श्रीनवास ने कहा आम चेयर स्कॉलर्स हैं कभी फील्ड में गए नहीं बस घर में बैठ के बातें करते हैं हमें फोकस करना चाहिए फील्ड व्यू पे तो अकॉर्डिंगली इन्होंने फील्ड में जाके एम एन श्रीनिवास ने काफी स्टडीज की और इन्होंने हमारे पास कॉन्सेप्ट लाए इंपॉर्टेंट लाइक सन्स्क्रिटाइजेशन ठीक है या जजमानी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया जमानी सिस्टम संस्क्रिटाइजेशन डोमिनेंट कास्ट तो काफी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने की इंडियन सोसाइटी रिलेटेड इनको भी हमें इन डिटेल देखना है दुर, दुर, को भी को भी, तो आगे देखते हैं सर्वे मेथड जो है ये इंडियन सोसाइटी में लेके आए थे आपके फोर्थ फाउंडेशन नाइनटीन फिफ्टीज में ये बेसिकली एक प्राइवेट फाउंडेशन है अमेरिकन फाउंडेशन है काम करती है के लिए तो जैसे जस्टिस इन इक्वालिटी इन सब रिड्यूस uh, करने के लिए पॉवर्टी तो इन सब रिलेटेड जो काम है वो फोर्ड फाउंडेशन uh, देखता है तो इन सर्वे मेथड जो है इंडिया में पहले ये लेके आए थे 1950s में ठीक है तो है इंडियन जो एक्सप्लोर द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी तो इन्होंने कहा वैल्यू न्यूट्रेलिटी एक बैरियर है एक्चुअली इंडियन सोसाइटी के इश्यूज को समझने के लिए क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव या अपने बस एक प्रोफेशनल कमिटमेंट मेंटेन करके इंडियन सोसाइटी को नहीं समझ सकते हो आपको बिल्कुल वैल्यू न्यूट्रल नहीं इंस्टेड आपको वैल्यू अकोमोडेटिंग अप्रोच जो है वो यूज़ करनी है ताकि आप चीजों को उनके जा रहे होगा ना? तो कहीं ना कहीं आप उन चीज के वैल्यूज की तरफ जा रहे हो तो इसको वैल्यू अकोमोडेटिंग अप्रोच कहा था और एडवोकेट किया था रामकृष्ण मुखर्जी ने ठीक है और वैल्यू uh, न्यूट्रलिटी जैसी चीज इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए ठीक नहीं है इंडियन सोशलॉलॉिकल सीन वॉज ऑल्सो इंडियन सोशोलॉजिकल सीन ऑल्सो विटनेस मेजर चेंजेस इन लाइन विद ग्लोल डेवलपमेंट्स फिर यूएसएसआर कम्युनिस्ट लाइन पे बना था लेकिन इसके डिस इंटीग्रेशन हो गई ये नहीं टिकाया यूएसएसआर तो मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस जो था इंडिया में वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी ही थी कि आगे रेवोल्यूशन आएगा फिर कम्युनिस्ट नेशनस आएंगे तो उस पर उस नेशन की डिसइंटीग्रेशन हो गई थी तो लोगों का भरोसा उठ गया लेकिन परसिस्टेंस अभी भी है सोसाइटी में हमें पता है लेफ्ट विंग पार्टीज और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो अभी भी है इंडियन सोसाइटी में ठीक है एक आपके लेफ्ट विंग होते हैं और राइट right विंग्स होते हैं लेफ्ट विंग आपके कौन से होते हैं जो आपके सोशलिस्ट होते हैं कम्युनिस्ट होते हैं एंड राइट विंग आपके कौन से होते हैं जो आपके कैपिटलिस्ट होते हैं जो इस आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं ठीक है तो वो आपकी राइट विंग पार्टीज होती हैं वो ये स्टेटस को मेंटेन करने में बिलीव करती हैं राइट right विंग और लेफ्ट विंग आपकी होती है वो चेंज ऑरियंटेड होती है ठीक है तो ये चीजें आप सिक्योरिटी जो आपका कॉम्पोनेट है जीएस का उसमें इन डिटेल पढ़ लोगे बट द इंटरेस्ट रिमेन ड्यू टू द दसिसटेंस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज एक्सट्रीमिज्म एंड सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज ठीक है तो प्रोफेसर पी डी एन मुखर्जी इन इज आर्टिकल स्टेट ऑफ सोशलॉजी कॉल्ड फॉर द नीड टू डिकोलनाइज इंडियन सोशियलॉजी बाई मूविंग अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएस ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन अमेरिकन इंटरवेंशन एंड द मार्क्स हैंंग ओवर ठीक है कहा उसको बिल्कुल आप सोशलॉजी के लाइन्स पे ही लाओ और इसको डिकोलोनाइज करो क्योंकि अभी भी जो बाहर के लोग हैं उनका काफी इंफ्लेंस है आपकी सोशलॉजिकल स्टडीज पे तो ये चीजें भी आप अपने आंसर राइटिंग के लिए याद रख सकते हो आगे इंडोलॉजी को हमें इन डिटेल डिस्कस करना है इंडोलॉजी हम देखते हैं क्या होता है एस डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन इंडोलॉजी जो है वन द अर्लिएस्ट परस्पेक्टिव था सोशलॉजिकल रिसर्च में तो है कि जहां पे भी इंडोलॉजी होगा आपको क्या याद रखना है बुक व्यू है ये समझने की कोशिश करते हैं टास्क ऑफ़ इंडोलॉजिकल परस्पेक्टिव इज टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी कैसे समझने की कोशिश करते हैं ऑन द बेस ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स हो गए एंशेंट लीगल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं लिटरेरी वर्कस हैं या इवन आर्कुलॉजिकल एविडेंसेज हैं इन दिस वे ये जो अप्रोच है इट इज़ डिफरेंट फ्राम वेस्टर्न अप्रोचेज़ ठीक है क्योंकि वेस्टर्न अप्रोचेज जो है वो अनसूटेबल उनको माना जाता था इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो आपको जो अगर इंडिया की सोसाइटी को आप पढ़ रहे हो आपको वो इंडियन कॉन्टेक्स में पढ़ना है आप बाहर के मेथड्स डायरेक्टली ला के यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते आपको

तो बुक व्यू लिया गया पहले इसको हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या किया गया जो आपके पास टेक्स्ट ऑलरेडी रिटन टेक्स्ट है उससे सोसाइटी को समझने की कोशिश करी गई अब आपके दिमाग में अगर एक डाउट आ रहा होगा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने एक बात कही थी कि जो पहली स्टडीज थी वो सिस्टमेटिक नहीं थी उनमें डिस्कटिन्यूटी थी तो आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से ट्राइवलॉग्स पॉलिटिकल वॉग से समझते थे तो यहां आपको ये देखना होगा वो जो स्टडीज थे वो कौन कर रहे थे वो कोई स्कॉलर्स आपके नहीं कर रहे थे ठीक है वो आपके सोशलॉजिस्ट वो स्टडीज नहीं कर रहे थे वो मेरली आप इंडियन सोसाइटी

जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है ये सेंट्रल एलिमेंट है इन इंडोलॉजी ऑन विच द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज बिल्ड ठीक है ये हमें पता है जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये कंसडर करता है इंडियन सोसाइटी इज़ यूनिक उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो उन थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट के साथ जो यूनिक होंगे टू द इंडियन सोसाइटी एंड नॉट बाई प्रीवेलिंग वेस्टर्न थियरीज एंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा पहले भी तो जो वेस्टर्न थियरीज के है वो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन सोसाइटी यूनिक है इसका अपना अलग कल्चर है इसका अपना अलग सोशल फैब्रिक है सोशल स्ट्रक्चर है तो आपको इसके इसके जो रिलेटेड मेथड्स होंगे उनके हिसाब से पढ़ना होगा ना कि जो हमें वेस्ट से मेथड्स आए हैं उस हिसाब से आप इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करोगे जो इंडियन इंडोलॉजिकल व्यू है हैज बीन वेरी ब्रॉड एंड आइडियल टिपिकल इन नेचर अब क्यों आइडियल टिपिकल है बिकॉज इट्स सेल्डम यूजेज फील्ड व्यू फॉर टेकिंग इंटू अकाउंट द एक्स्टेंस ऑफ हेटीरोजिनिटी एंड वेरिएशन प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी अब अगर आप फील्ड व्यू में जाओगे तो ही आप एक्चुअल रिसर्च कर पाओगे किसी भी चीज की अगर आपके जो बुक्स में लिखा है आप वही पढ़ रहे हो तो बुक्स में एक टिपिकल पिक्चर प्रेजेंट की गई होगी मोस्टली चीज़ों की तारीफे की तारीफें गई होंगी वही बुक्स में लिखा गया होगा तो यहाँ पे इंडोलॉजिकल को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने फील्ड व्यू नहीं लिया इसीलिए वो काफी आइडियल टिपिकल इन नेचर था काफी आइडियल मतलब एक आइडियल जैसे मैक्स वेबर का एक आइडियल टाइप है वो एक आइडियल टाइप लेके आप डिस्क्राइब कर रहे हो इंडियन सोसाइटी को रियालिटी प्रैक्टिकल वाली बातें आप उसमें नहीं कर रहे हो अब इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है इसको हम दो इसमें स्ट्रीम्स में डिवाइड करते हैं क्लासिकल इंडोलॉजी एंड योर मॉडर्न इंडोलॉजी क्लासिकल इंडोलॉजी है ये इट वाज वॉज प्रेविलीज इन द राइटिंग्स ऑफ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स एंड अर्ली इंडियन सोशोलॉजिकल ये क्या है बेसिकली क्लासिकल इंडोलॉजी ये प्योर बुक व्यू है प्योर बुक व्यू परस्पेक्टिव एज इंफ्रेंस फ्रॉम द एंशियंट टेक्स टेकन ऑन दियर फेस वैल्यू ठीक है तो जो एंशियन टेक्स में जो भी लिखा था ये प्योरली वही चीजें हैं तो इन्होंने सिंपली जो टेक्स्ट में लिखा था उसको रेप्लीकेट किया और कहा यही आपकी इंडियन सोसाइटी है फाइन तो इनिशियल इंफेसिस जो थे ऑफ दिस पर्सपेक्टिव वाज ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड ऑन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी इसमें कुछ एग्जांपल्स है वो आप देख लेना जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे इन जनरल दे हैड अ क्रिटिकल व्यू ऑफ द इंडियन सोसाइटी और उन्होंने कुछ स्टीरियोटाइप्स बताए थे इंडियन सोसाइटी के और वैसे ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी लेकिन इंडियन सोसाइटी स्कॉलर्स ने क्या किया बाद में इसको काउंटर किया था ठीक है और अकॉर्डिंगली आपका नेक्स्ट जो स्ट्रीम है वो आया था दैट इज अ मॉडर्न इंडोलॉजी तो जो वेस्टर्न व्यू था उन्होंने कैसे स्टीरो

एंड आइसोलेटेड है क्योंकि सेल्फ सफिशेंट है क्लोज इकोनॉमी है इस वजह से इसको एक आइसोलेटेड सोसाइटी बोला जाता है रिलीजन जो है वो सेंट्रल है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ठीक है सोशल रिलेशनशिप्स बाई ट्रेडिशन एंड कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम जो है इट वॉज कंसिडर्ड एज क्लोज इसमें मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है और इस सिम्बल था बेसिकली फ्यूडल एंड बैकवर्ड कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी का कुछ रिसर्चेस डन ऑन द सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक ज्वाइंट फैमिलीज पंचायती एंड जजमानी सिस्टम ऑल्सो जो हम आगे देखेंगे वो एम एन श्रीनिवास वगैरह ने इस बारे में बात की है जजमानी सिस्टम के तो आगे देखते हैं मॉडर्न इंडोलॉजी मॉडर्न इंडोलॉजी बाद में थोड़ा एक एडिशन था क्लासिकल इंडोलॉजी पे इन्होंने कुछ चीजें ऐड की थी मॉडर्न इंडोलॉजी में जैसे जी एस गुरी ने क्या किया था इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी बोला जाता है इन्होंने क्लासिकल इंडोलॉजिकल अप्रोच के साथ ऐड किया था एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच ठीक है तो उन्हें डिफ्यूजन की बात की थी तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने स्टीरियोटाइज करने की कोशिश की थी और एक व्यू जनरेट किया था कि आइसोलेटेड स्टैटिक है जब ये डिफ्यूजनस अप्रोच पढ़ रहे हैं दैट मीन्स कल्चर डिफ्यूज हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी में डिफ्यूजनस अप्रोच आता है जिसमें हम बताते हैं कि जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो एक जगह के सिर्फ नहीं रह जाते अगर वो एक कल्चर में तो कल को डिफ्यूज होकर दूसरे कल्चर में सोसाइटी में भी पहुँच सकते हैं दैट मीन्स स्टैटिक नहीं है इंडियन सोसाइटी अगर कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो रही है तो उसका मतलब कि सोसाइटी में कोई चेंजेस आ रही हैं ठीक है थीके? राधा मुखर्जी ने क्लासिकल अप्रोच के साथ एम्पेरिकल सोशोलॉजी एड की थी दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्होंने एम्पेरिकल एविडेंस की वो बातें भी जो थोड़ा आप ऑब्जर्व कर सको उन पे भी ध्यान दो तो, ना कि सिर्फ बुक व्यू पे और जो आपके ये हैं राधा कमाल मुखर्जी ये हो गया डी मुखर्जी इन्होंने मार्क्सिस अप्रोच को कंबाइन किया क्लासिकल एंडोलॉजी के साथ ठीक है तो इन्होंने आपको मार्क्सिस व्यू दिया तो जो प्योरली बुक व्यू था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया मॉडर्न इंडोलॉजी में और थ्रू थिंकर्स जी एस गुरिय डी पी मुखर्जी राधा कमाल मुखर्जी कुछ और एडिशंस लेके आगे प्योर बुक यू में जैसे किसी ने डिफ्यूजनस अप्रोच लेके आए कोई एम्पेरिकल सोशोलॉजी और कोई मार्क्सन फ्रेमवर्क लेके आए इंडिपेंडेंस के बाद द यूज ऑफ इंडोलॉजी कंटिन्यूड बट अदर पर्स्पेक्टिव ऑल्सो गेंड फ्रॉ मॉडर्न इंडोलॉजिकल पर जो था इसने क्रिटिसाइज किया था ऑर्थोडॉक्स पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को विच वॉज प्रेजेंटेड बाई द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स विजेस को दे वर नॉट सीन एज आइसोलेटेड स्टार्टिक और सेल्फ सफिशियंट जैसा मैंने यहाँ का इन्हें डिफ्यूज अप्रोच यूज किया था तो इनका बोलना ही था कि जो कल्चर है वो एक्चुअली डिफ्यू उस भी करता है तो इंडियन सोसाइटी स्टैटिक नहीं है इंडोलॉजी एज एन एकेडेमिक अप्रोच हैज़ मेनी शॉर्ट कमिंग्स एंड इट कुडन सस्टेन इट सेल्फ इन द लॉन्ग रन क्योंकि हमारे पास आगे फील्ड स्टडीज भी आगे जैसे एम एन श्रीनिवास लेके आए थे तो वो बेटर सूटेड थे टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं इंडियन सोसाइटी मल्टीकल्चर है तो आप बुक्स से सिर्फ सिम्पली पढ़ के कैसे एक सोसाइटी के बारे में एक कोई थॉट प्रोसेस या अपना कोई जो व्यू है वो प्रेजेंट कर सकते हैं आपको फील्ड पर जाके थोड़ा बहुत स्टडी करना जरूरी है तो अकॉर्डिंगली एम एन श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट लाइ डन के ठीक है जजमानी सिस्टम वगैरह तो वो सारी चीजें हमें एम का जो हम पढ़ेंगे थिंक इन डिटेल डिस्कस करनी है ठीक है तो वो बेस थे एम्पेरिकल फील्ड स्टडीज पे और उन्हें चेंज किया था ट्रेडिशनल नोशन ऑफ कास्ट का जो इंडोलॉजिकल व्यू ने जनरेट किया था वो कैसे क्लास कास्ट सिस्टम जो है क्लोज्ड है बिल्कुल इसमें कोई मोबिलिटी जो है पॉसिबल नहीं है तो हेमंत श्रीनिवासा ने इस मेथ को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश की और वो questionable थे क्योंकि वो जनरली एक आइडियलाइज वर्जन ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे वर ऑफन वेरियस फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल जो अर्लियर किंग्स थे ठीक है उनके जो उनके अकाउंट लिखे जाते थे अगर अशोका के टाइम के अकाउंट आप देखोगे वो किसी उस टाइम के राइटर ने लिखे हैं तो उसमें क्या होगा उसमें अशोकन रजीम जो है उसकी तारीफें की गई होंगी तो उनको हम रासोस बोलते हैं रासोज या ऑफ किंग्स जिसमें बड़ी बड़ी बातें किंग्स के बारे में लिखी गई थी और उस टाइम के स्टेट को बेस्ट जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई थी ठीक है तो उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है समटाइम्स दैक वैसिटी एंड ट्रूथ कलर्ड बाई दलोनियल प्रेफरेंसेज तो कहीं ना कहीं जो आपके सोर्सेज थे उनमें कॉन्ट्राडिक्ट्री इन्फॉर्मेशन भी थी ठीक है अगर एक सोर्स ने एक चीज की सोसाइटी बताई है तो एक सोर्स दूसरा सोर्स दूसरे तरीके की सोसाइटी बता रहा था इन चीजों की वजह से सब्जेक्टिविटी इंट्रोड्यूस uh, होने लगी दैट मीस ऑब्जेक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज किया गया अंडरस्टैंडिंग जो थी अलग होने लगी ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंसेज टू डिफरेंट टेक्स्ट आप जो टेक्स रेफर कर रहे हो आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग मिल रही है इंडियन सोसाइटी की ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इंडोलॉजिकल uh, व्यू का जो इंडोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव का क्रिटिसिजम डिस्क्राइब करता है वेस्टर्न स्कॉलर जो थे वो बायस थे फॉर देर कॉलोनियल इंटरेस्ट क्योंकि उनको रूल करना था तो उनको वैसे तरीके की सोसाइटी টি प्रेजेंट करनी थी उनका अपना बायस था और इंडियन स्कॉलर्स मेयरली वो किस में जुड़े हुए थे जो पिक्चर वेस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने क्रिएट की है उसको खत्म करने के लिए तो कहीं ना कहीं इनमें भी एक बायस था जो बायस था रिलेटेड टू तो द नेशनल इंटरेस्ट ठीक है तो इस वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चंस रेज होते हैं द दो इंडोलॉजी लॉस्ट इट्स स्टीम बाय 1950स लेकिन अब देखो यहां पे थोड़ी कंटेंपरेरी रेलेवेंस है इसकी ये पैरा काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से बनते हैं इंडोलॉजिकल स्टडीज रेलिवेंट टिल डेट कैसे दी ट्रेडिशनल टेक्स्ट फॉर सीकिंग री इंटरप्रिटेशन तो रिसेंटली क्या एक एफर्ट की जा रही है थ्रू वेरियस स्कॉलर्स हिस्टोरियंस कि जो आपके ट्रेडिशनल टेक्स है उनको दोबारा पढ़ो और उनको री इंटरप्रिट करो देखने के लिए की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की लाइट में वो क्या कह रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें फिर से किसकी जरूरत पड़ रही है एक बुक व्यू जनरेट करने की जरूरत पड़ रही है उनकी री इंटरप्रिटेशन चाहते हैं स्कॉलर्स तो एक फॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी जो है या पोस्ट मॉडर्न इंडोलॉजी सॉरी आप उसको बोल सकते हो इट इज इट सीम्स टू बी इमर्जिंग एट विद द रिवाइवल ऑफ द इंटरेस्ट अमंग स्कॉलर्स अबाउट द कल्चर ऑफ द एंशेंट इंडिया ठीक है तो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जाम्स के लिए सम इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैव बीन ऑफर्ड रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं जैसे देवदूत पटनायक विच हु शेड एंड ऑल टूगेदर डिफरेंट लाइट ऑन इंडियन माइथोलॉजी रोमिला थापर काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है हैज़ कम्बाइंड इंडोलॉजी विद हिस्ट्री या अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट वेंडी डोंगर इन्होंने कहा था हैज यूज दिस एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव व्यूज ऑन ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे अकेडमिक नॉमन क्लेचर्स हैव ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द ईयर एंड इंडोलॉजी इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली द स्पेली द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज इज नाउ कॉल्ड साउथ एशियन स्टडीज़ तो इसको अभी भी इंपॉर्टेंस दी जाती है बाकी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी में जैसे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में इसको साउथ एशियन स्टडीज बोला जाता है इंडोलॉजी को और किसी अलग फॉर्म में इंडोलॉजी अभी भी कॉन्टिन्यूड है तो इस बारे में बेसिकली क्या लिखा गया है कि स्टीम जो है इसकी ऑलडो बाई नाइनटीन फिफ्टीज लूज होने लगी विद अराइवल ऑफ़ फील्ड व्यू लेकिन अभी इसका एक रिवाइवल हो रहा है एंड सम सॉर्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न इंडोलॉजी जो है सीम्स टू बी इमर्जिंग ठीक है वो क्यों हो रहा है क्योंकि वो चाहते हैं उन ट्रेडिशनल टेक्स्ट को री इंटरप्रेट करें टू अंडरस्टैंड दी कल्चर ऑफ एंशेंट इंडिया जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं देवदूत पटनायक की जिन्होंने माथोलॉजी पे वो डिफरेंट लाइट जो है शेड करना चाहते हैं और सेकंड एग्जाम्पल है रोमिला थापर की जो कंबाइन करना चाहते हैं इंडोलॉजी एंड हिस्ट्री को थर्ड है हमारे पास अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट है वेंडी डोनिगर जो चाहते हैं कि वो एक्सप्लोर करें ऑल्टरनेट व्यूज आपके ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे कि जो हिंदू सोसाइटी है वो ट्रेडिशनली कैसे ऑर्गेनाइज है ठीक है अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ये टी एच एस ओ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी अगर आप सोशोलॉजी की प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहां पे आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा छोटा वीडियो है काफी साल पहले मैंने बनाया था पांच मिनट का छह मिनट का आएगा इस वीडियो है थोड़ा आप इंडियन सोसाइटी को वहां से समझ सकते हैं एकेडमिक नॉर्मल स्लेक्चर भी चेंज हो रहे हैं अब इंडोलॉजी को साउथ एशियन स्टडीज के नाम से बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है तो दिस इज योर इंडोलॉजी अब हमें जीएस एस को डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद एम एन श्रीनिवास को फिर कुछ मार्क्स एंड पर्स्पेक्टिव के थिंकर्स को फाइन आई गेस विल स्टॉप इट हेयर तो डू गाइज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक दिस वीडियो और कॉमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है डू शो सम सपोर्ट टू दिस चैनल हमारे सेवन हंड्रेड सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो आई होप 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 कि जल्दी से थाउजेंड सब्सक्राइबर्स जो है वो क्रॉस हो जाए ताकि एक लेवल जो है वो अचीव हो जाए और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे नए वीडियोज बनाने के लिए तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे